गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर कहानी बात अठन्नी के दो पात्र रसीला और रमजान का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रसीला का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। तो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के जहाँ नौकर है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वह अपने माता पिता, पत्नी तथा बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। उसे सिर्फ 10 रुपये वेतन मिलता है। वह सारा वेतन अपने घर भेज देता है, फिर भी परिवार वालों का गुजारा नहीं होता था। रसीला ईमानदार है, चाहता तो बेईमानी करके काफ़ी रकम जोड़ सकता था और उसका परिवार आराम से जीवन बसर कर सकता था, पर वह ईमानदारी से डिगता नहीं है। वह धर्म का पथ रास्ता कभी नहीं छोड़ता। रसीला समझदार भी है। मालिक द्वारा काम छोड़ने को कहने पर भी वह अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। उसका मानना है कि चाहे कहीं और उसे 2-1 रुपये ज़्यादा मिल जाए, क्या वह आदर सम्मान मिलेगा जो उसे यहाँ मिलता है। इसलिए वह नौकरी छोड़ने का विचार त्याग देता है। रसीला अत्यधिक परिश्रमी है। भरपूर परिश्रम करने के बाद भी वह अठन्नी का इंतजाम नहीं कर पाता है। वह अपने मालिक द्वारा दिए गए 5 रुपयों में से 4.5 रुपयों की मिठाई लाता है और अठन्नी रमजान के हाथ पर रख देता है। उसने सोचा कि कर्ज उतर गया, पर उसे क्या पता कि वह जिंदगी भर अपराध बोध के बोझ तले दबा रहेगा। रसीला सत्यवादी भी था। बड़ा प्रयत्न करके उसने 2 बार झूठ बोला, पर मालिक की कड़कती आवाज़ ने उसे सच बोलने पर विवश कर दिया। वह ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल करता है और मार भी खाता है। 6 महीने के लिए जेल भी जाता है। वह एक शरीफ इंसान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसीला अनपढ़ और गरीब होते हुए भी एक उच्च कोटि का इंसान है। अब हम रमजान का चरित्र चित्रण करते हैं। रमजान इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रह रहे जिला मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकर है। वह नेक और रहमदिल इंसान है। उसके अंदर दया, ममता तथा सहानुभूति के गुण विद्यमान है। वह मददगार है और बड़ी तत्परता से रसीला की मदद करता है। वह बिना झिझके अपने बचाए पैसे रसीला को दे देता है तथा प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम करता है। वह भी अपने मालिक की रिश्वतखोरी की आदतों से परिचित है। उसके मन में इन भ्रष्ट इंजीनियर और जिला मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन जैसे लोगों के लिए आक्रोश का अर्थ गुस्सा है। वह आवाज़ भी उठाना चाहता है, पर उसकी गरीबी और लाचारी ऐसा करने से रोक देती है। किंतु जब मात्र अठन्नी के लिए उसके मित्र को 6 महीने की सजा सुनाई गई तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वह सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। वर्तमान न्याय प्रथा की धज्जियां उड़ाते हुए वह कह ही देता है कि ये इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। जो बात रसीला नहीं कह पाता वह स्पष्ट वक्ता तथा न्यायप्रिय रमजान कह देता है। कहानीकार सुदर्शन जी ने रमजान के चरित्र के माध्यम से समाज में छिपे हुए रिश्वतखोरों तथा भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।